गांधी जयंती के मौके पर बुधवार को खाराखेत क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें जिलाधिकारी देहरादून समीत बंसल और पद्मश्री कल्याण सिंह मैती सहित कई विभागों के अधिकारी व स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जिन्होंने इस अभियान में हिस्सा लेकर इस क्षेत्र को साफ व स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प लिया। बता दें कि खाराखेत एक ऐतिहासिक स्थल है, जहां सन 1930 में देहरादून के क्रांतिकारी आंदोलनकारियों ने अंग्रेजों के नमक कानून को यहीं की नदी नून नदी के पानी से नमक बनाकर तोड़ा था, जिसके चलते महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस स्थान के सौंदर्यीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल के समक्ष अपनी मांगे रखी, जिस पर जिलाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा और नून नदी के जल संवर्धन पर कार्य किया जाएगा। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। देखिए, जो देहरादून है वो अपनी नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ हमारी कल्चरल और इकोलॉजिकल हेरिटेज, हमारी विरासत के लिए भी अपनी पहचान रखता है। तो उसी के क्रम में आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। खाराखेत जो हमारी बहुत ही अमूल्य ऐतिहासिक विरासत स्थल है, जहाँ से देहरादून के कुछ चुनिंदा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने 1930 में यही जो हमारी सात से नून नदी बह रही है, यहाँ से नमक बनाकर नमक कानून को, उस समय के जो इलीगल नमक कानून था उसको तोड़ा था, और ये एहसास दिलाया था आम जनमानस को कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट नहीं किए जा सकते।